नमस्कार, स्वागत है आपका विंध भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते विंध भारत संवाददाता आज दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के उस पावन स्थान सिद्धपीठ पर मौजूद हूँ जहाँ पर विगत वर्षों के बाद इस वर्ष भी रामकथा का आयोजन वृंदावन की साधु दीदी बैदेही जी के मुखार बिंदु से प्रारंभ होगा, जिसकी आज शुरुआत होने जा रही है। आज ये कलश यात्रा दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर से सीधे राम जानकी मंदिर होते हुए शनिदेव धाम मंदिर से यानी कि नगर का भ्रमण करते हुए पुनः जो है ये मंदिर परिसर की ओर अग्रसर होगा, जहां पर आज मुख्य यजमान के रूप में SDO KK श्रीवास्तव जी भी मौजूद है, जिनके हाथों से इस मंदिर का जो है की शुरुआत हुई थी। आज वो मुख्य यजमान के रूप में यहां पर मौजूद रहेंगे और हमारे नगर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी चौथर आनंद श्रीवास्तव जी की गरिमामय उपस्थिति एवं तमसा आरती सेवा समिति दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर सेवा समिति के जो अध्यक्ष है वो रजनीश पांडे जी एवं जो उनकी टीम है, पूरी टीम यहाँ बड़ी तन्मयता के साथ लगी हुई है। मैं सीधे आपको मंच की ओर ले चलूँगा और सीधे लाइव दिखाने का प्रयास करूँगा कि ये जो दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर का रामकथा का कार्यक्रम है वो कलश यात्रा नगर की ओर निकल रही है। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। त्योथर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर वार्ड नं 4 में रामकथा कथा का आयोजन से पूर्व भव्य कलश यात्रा हनुमान मंदिर से भैरवनाथ राम जानकी मंदिर शनि मंदिर होते हुए नगर में निकाली गई, जिसमें वृंदावन की कथावाचक साध्वी बैदेही जी मुख्य यजमान के रूप में रिटायर्ड SDO KK श्रीवास्तव जी एवं उनकी धर्मपत्नी रही नगर परिषद त्योथर की अध्यक्षा श्रीमती कृष्णावती विद्यासागर शुक्ला, नगर परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आनंद श्रीवास्तव जी की गरिमा में उपस्थिति में संपन्न हुआ। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी इन्हीं के द्वारा कराया गया था। कलश यात्रा मेंगर के लोगों का हुजूम जैसे उमड़ पड़ा, इसमें प्रमुख रूप से मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री रजनीश पांडे, शंकर सोनी, विद्यासागर शुक्ला वेट्टे, छोटू श्रीवास्तव भाई, पूजा का कार्य श्री मिथिलेश आचार्य जी द्वारा सम्पन्न कराया गया। सभी गणमान्य लोग मौजूद रहे। व्यास पीठ के पूजन के बाद कथा वाचन का शुभारम्भ हुआ। त्योथर से हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की रिपोर्ट।